इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के बारे में, वो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जिन्होंने अपने वर्क्स के थ्रू बुद्धिस्ट वर्क को फैलाया है, बुद्धा की फिलॉसफी फैलाया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगर सबसे पहले बात की जाए फ्रेंड्स कि बुद्धिज्म जो इंडिया में बढ़ा है उसका सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है, तो उसका बड़ा श्रेय सबसे बड़ा श्रेय जाता है अशोका द ग्रेट को। देखिए क्या हुआ फ्रेंड्स कि अशोका द ग्रेट ने अपने जब वो राजगद्दी पे बैठा तो राजगद्दी पे बैठने के 8 साल के बाद उसने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया, बुद्धिज्म धर्म को अपनाया। और जब उसने बुद्धिज्म धर्म को अपनाया उसने बहुत तेजी से बुद्धिज्म धर्म की आइडियोलॉजीज को, फिलॉसफी को फैलाना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि उसने बाकी रिलीजन को दबाया, बट उसने बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी को बहुत तेजी से फैलाया और वहां पर उसने कंसेप्ट दिया जिसका नाम था अशोका धम्म। अब ये अशोका धम्मा कुछ कुछ आप जो बुद्ध के धम्मा था उसके बराबर ही मान सकते हैं। इसे बहुत सारी चीजें थी कि भैया मांस नहीं खाएंगे लोग, ठीक है, वॉर की पॉलिसी को उसने बंद कर दिया था, वो जब मैं अशोक पे जाऊंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा। जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है, वो हुई थी आपकी मोगलिपुत्र तिस्सा के अंडर में, उसको भी किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो अशोक ने ऑर्गेनाइज किया था। तो आप कह सकते हो कि बुद्धिज्म जो इतनी तेजी से इंडिया में बढ़ा उसका जो सबसे बड़ा रीजन था वो था आपका अशोक, क्योंकि इनिशियल फेजेस में अशोक ने उसको एक पंप दे दिया। आप देखते हैं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बौद्धिक स्कॉलर्स के बारे में बात करेंगे, अश्वघोष के बारे में बात करेंगे। देखिए कालिदास से पहले अगर बात की जाए कि इंडिया का सबसे बड़ा पोएट कौन था, ड्रामेटिस्ट कौन था, तो वो थे आपके अश्वघोष। वैसे तो कालिदास को माना जाता है, बट कालिदास से पहले सबसे बड़ा कौन था, तो भैया वो थे आपके अश्वघोष। उनको पहला संस्कृत ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, ही इज द फर्स्ट संस्कृत ड्रामेटिस्ट, यानी इन्होंने संस्कृत में बहुत से ड्रामा लिखे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है अश्वघोष जी के बारे में, इसको याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ना फ्रेंड्स उनको क्लासिकल संस्कृत में लिखा, याद रखिए। तो कई सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को इन्होंने क्लासिकल संस्कृत में लिखा है, ठीक है। अगर बात की जाए कि इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, तो भैया इन्होंने बुद्ध चरिता लिखी है, फिर महालंकार बुक ऑफ ग्लोरीज भी जिसे बोले थे ये भी इन्होंने लिखा है, और ये सौंदरानंद काव्य, ये डिटेल्स द लाइफ ऑफ नंदा। अब यहां पे एक सवाल आता है फ्रेंड्स कि ये जो भाई नंदा है ये नंदा कौन थे, तो ये नंदा आपके बुद्ध के भाई थे, ठीक है। तो ये कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इसके बारे में। एक और पीस ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इनके बारे में फ्रेंड्स कि ये जो आपके थे अश्वघोष, ये कुशान किंग कनिष्क के कोर्ट में बैठा करते थे। तो ये कुशान किंग कनिष्क हैं, तो कुशान किंग कनिष्क के कोर्ट में बैठा करते थे, कोर्ट राइटर भी थे और रिलीजियस एडवाइजर भी थे आपके अश्वघोष। आगे चलते हैं नागार्जुन पे। नागार्जुन की बात करें तो मध्यमिका स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म को फाउंडर कौन है, तो वो है आपके नागार्जुन। किसके कंटेम्प्रेरी थे, तो भैया आपकी सातवाहना डायनेस्टी के एक बहुत बड़े रूलर हुआ करते थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी, इनके कंटेम्पररी थे आपके सतकर्णी, लिख दे रहा हूं SATAKARNI, ठीक है। तो इनके कंटेम्पररी थे आपके नागार्जुन, ये याद रखिएगा। नागार्जुनकोंडा नाम की एक जगह थी, वहां पे एक ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। नागार्जुनकोंडा कहां पे है, आंध्र प्रदेश में फ्रेंड्स। शुरुआत में अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ, लेकिन बाद में इन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। तो अब आप समझ सकते हैं ये जन्म इनका ब्राह्मण फैमिली में हुआ था, बाद में इन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया, तो शुरुआत की जो इनकी भाषा रही होगी वो क्या रही होगी, शुरुआत की इनकी भाषा रही होगी संस्कृत, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इनिशियल जो इन्होंने टेक्स्ट लिखे हैं वो संस्कृत में लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि भाई इनका जन्म ब्राह्मण फैमिली में हुआ था, तो ऑब्वियसली बात इनकी शुरुआती एजुकेशन संस्कृत में होती, तो इनको संस्कृत बहुत अच्छे से आती थी। अब हम बात करें कि इन्होंने किताब कौन सी लिखी, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है इनके बारे में, एक है फंडामेंटल वर्सेस ऑन द मिडिल वे, इसको क्या बोलते हैं, मूला मध्य मकाकरिका, मूला मध्य मकाकरिका, इसको फंडामेंटल वर्सेस ऑफ द मिडिल वे भी बोलते हैं, ये नागार्जुन ने लिखा है। और शून्यवाद की जो थ्योरी है जिसको एम्प्टीनेस बोलते हैं, शून्यवाद की थ्योरी को भी नागार्जुन ने प्रोपाउंड किया है, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, बुद्ध घोष के बारे में बात करते हैं। बुद्ध घोष के बारे में हल्का फुल्का मैं बता दे रहा हूं, धीरे धीरे बोल रहा हूं तो आप लिख लीजिएगा। 5th century AD में थे ये, तो 5th century AD से तो मतलब काफी साल बीत चुके हैं, तो तब आए थे आपके ये बुद्ध घोष। पाली स्कॉलर थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पाली स्कॉलर, पाली में अपने टेक्स्ट लिखते थे, काफी सारे बुद्धिस्ट टेक्स्टों को पाली में लिखा गया है। और बुद्ध घोष के बारे में एक बहुत पीस ऑफ इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इनको वॉइस ऑफ बुद्धा भी कहा जाता था। किसको, बुद्ध घोष को। तो बुद्ध घोष को कहा जाता था वॉइस ऑफ बुद्धा।
थेरावाड़ा बुद्धिज्म पे इन्होंने काफी कुछ लिख रखा है। तो बुद्धिज्म की थेरावाड़ा ब्रांच पे इन्होंने काफी लिखा हुआ है। किसने? बुद्ध घोष ने। कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके बाद फ्रेंड्स ये लोग बाद में श्रीलंका चले गए और श्रीलंका में बुद्ध घोष जाके अनुराधापुर नाम की जगह है वहां पे सेटल हो गए। ये सब मैं बुद्ध घोष जी के बारे में बता रहा हूं, और ध्यान रखिएगा बुद्ध घोष जी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। इन्होंने किताब लिखी है विसुद्धि मग्ग, नाम लिख दे रहा हूं VISUDDHIMAGGA। तो ये विसुद्धि मग्ग नाम की किताब भी आपकी बुद्ध घोष ने लिखी है। तो बुद्ध घोष के बारे में भाई इतनी इंफॉर्मेशन याद रखना काफी रहेगी एग्जाम के पर्पसेस से। फिर हम यहां आते हैं दिनाग और दिगनाग के बारे में। तो भैया दिनाग और दिगनाग ने भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई है बुद्धिस्ट लॉजिक के बारे में। तो भैया आप इतना याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि दिनाग दिगनाग कौन से धर्म से रिलेटेड है, तो आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बुद्ध घोष तो नाम में ही बुद्धिज्म है। तो बुद्ध घोष के बारे में ये नहीं पूछा जाएगा कि भैया किस धर्म से रिलेटेड, ये पूछा जाएगा कि बुद्ध की कौन सी, बुद्धिज्म की कौन सी शाखा के बारे में लिखा है। तो थेरावाड़ा बुद्धिज्म, क्या बोलते थे, वैसे बुद्ध बोलते थे, पाली में लिखा है, 5th century AD के अराउंड थे, और विसुद्धि मग्ग भी बुद्ध घोष ने लिखी है। तो बुद्ध घोष के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। अश्वघोष नागार्जुन मैंने आपको बता ही दिया। चंद्रकीर्ति और धर्म कीर्ति मैं आपको बताऊंगा। चंद्रकीर्ति और धर्म कीर्ति से जाने से पहले फ्रेंड्स दो और नाम है जिनको आपको पता होना चाहिए। एक है आसंगा, ठीक है, और एक है वासुबंधु। तो ये दो नाम आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ये दोनों भी आपके बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं। कहा जाता है कि ये जो असंगा थे, वासुबंधु थे, ये दोनों हाफ ब्रदर्स थे। पाकिस्तान के आसपास के इलाके में ये लोग एक्टिव थे और एक किताब लिखी जिसमें वासुबंधु ने, जिसका नाम था अभिधर्म मोक्ष, तो इसके बारे में लिख दे रहा हूं। तो वासुबंधु ने किताब लिखी थी अभिधर्म मोक्ष, ABHIDHARMAMOKSHA। तो अभिधर्म मोक्ष नाम की किताब वासुबंधु ने लिखी थी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। बुद्ध घोष बता दिया, दिगनाग या दिनाग बता दिया, फिर चंद्र कीर्ति देखते हैं और धर्म कीर्ति देखते हैं, ठीक है। तो भैया चंद्र कीर्ति यहां मैं लिख देता हूं, पीछे जगह नहीं तो मैं यहां बता रहा हूं आपको चंद्र कीर्ति के बारे में। चंद्र कीर्ति क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए चंद्र कीर्ति नागार्जुन के शिष्य थे। ही वॉज द डिसिपल ऑफ नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन के शिष्य थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और बाद में पढ़ाते भी थे, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के एलुमिनाई थे आप ये बोल सकते हो चंद्रकीर्ति। और इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है जिसको हम बोलते हैं प्रश्नपाड़, PRASANNAPAD A। तो प्रश्नपाड़ नाम की किताब किसने लिखी है? चंद्रकीर्ति ने लिखी है। बस इतनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। फिर उसका अगला कौन नाम है फ्रेंड्स? धर्म कीर्ति। धर्म कीर्ति के बारे में देख लेते हैं। देखिए भाई धर्म कीर्ति भी आपकी 7th century AD में रहते थे, ठीक है, तो काफी बात के हैं ये। नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, इनके बारे में नालंदा यूनिवर्सिटी के एलुमिनाई थे। उसके बाद इनको, धर्म कीर्ति को इंडिया का कांट कहा जाता है। तो धर्म कीर्ति इज ऑल्सो नोन एज कांट ऑफ इंडिया। तो भैया कांट ऑफ इंडिया कौन है? धर्म कीर्ति। वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, दिमाग में रखिएगा। और इन्होंने 7 treatises ऑन वैलिड कॉग्निशन लिखी हुई है। 7 treatises ऑन वैलिड कॉग्निशन, ये जो किताब है ये किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी धर्म कीर्ति ने फ्रेंड्स। तो इतनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन याद रखिए, काफी है। अगर कुछ छूट गई तो उसको मैं आगे की वीडियोस में भी कवर कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़ते रहे। गुड बाय।